साल 2024 के चुनावों में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी को लेकर सभी दलों के नेताओं ने चुनावी मैदान फतेह करने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच जनता से विकास का वादा करके सत्ता में आने वाली प्रदेश की जेजेपी बीजेपी सरकार के नेताओं में सियासी जुबानी जंग जारी है। जेजेपी और बीजेपी के बीच बेशक से गठबंधन हो, लेकिन दोनों दलों के शीर्ष नेता आगामी चुनावों की अलग अलग तैयारी करने के साथ साथ अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि पार्टी सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और इसी को लेकर पार्टी का हर कार्यकर्ता सभी 10 सीटों के लिए चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। देखो, मैं तो इतनी कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा था, और क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव आना है, 10 की 10 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में इस प्रदेश की जनता ने दी थी, और मोदी जी इस देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए देश में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी, दूसरी बार भी बनी। आगे जब भी चुनाव होगा तो आप देख लेना, पहले से भी ज़्यादा वोटों से 10 की 10 सीट फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी बात का बात तो आप उन लोगों से पूछो जिन्होंने कर रखा है, हमने तो ये पता है कि हम लोकसभा का चुनाव में 10 की 10 सीट जीतेंगे। वही पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की ओर से दिए गए एक बयान ने प्रदेश के सियासी फिजाओं को गर्म कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं, संगठन जेजेपी का अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है। जो गठबंधन की बात, गठबंधन सरकार में, गठबंधन माने मनोहरलाल दुष्यंत जी में है, उप मुख्यमंत्री में। वर्तमान संगठन भारतीय जनता पार्टी का 90 के 90 विधानसभा में हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, 10 की 10 लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भाजपा का संगठन अलग है, जेजेपी का अपना संगठन है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हरियाणा के निर्दलीय विधायकों का लगातार प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव से मुलाकातों का दौर जारी है। वह प्रितला से विधायक नयन पाल रावत ने बिप्लब देव से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। बिप्लब देव ने कहा कि बीजेपी को सूबे में गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर जननायक जनता पार्टी अलग भी जाती है भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि हमने इस विषय में कभी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब समय ऐसा आ गया कि अगर विरोधाभासी बयान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई गठबंधन का नेता अगर बयानबाजी करता है तो ये ना केवल गलत है, निंदनीय है, बल्कि ऐसे वक्त में तुरंत गठबंधन तोड़ देना चाहिए। गठबंधन के ऊपर भी हमारी सारी चर्चा हुई है, ये भी हमने बता दिया। निश्चित तौर पर इनके पास 47 से 48 MLA उसके बावजूद भी रहते हैं, सरकार पूरी तरह बहुमत में रहेगी और पूरा 5 साल चलेगी। आपको लगता है कि अगर जननायक जनता पार्टी समर्थन वापस ले लेगी तो किसी तरह कोई खतरा हरियाणा में मनोहर सरकार को नहीं है? मान्य मनोहर जी की सरकार को ना कल खतरा था, ना आज खतरा, ना आगे खतरा रहेगा। काबिले गौर है कि सूबे के चुनावी समर के बीच जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के नेताओं के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर ने सूबे की सियासी तापमान को गर्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।